योर ओन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका नॉलेज टू ग्रो चैनल में। आज हम बात करेंगे फिश ऑयल के बारे में। तो सबसे पहले फिश ऑयल, व्हाट इज फिश ऑयल? व्हेन वी टॉक अबाउट फिश ऑयल, वी शुड टॉक अबाउट ओमेगा 3। नाउ ओमेगा 3 हैज EPA प्लस DHA। ओमेगा 3 के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ओमेगा 3 होता क्या है। ओमेगा 3 फिश ऑयल जो ओमेगा 3 है वो हमारे, इट इज़ अ फैटी एसिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैटी एसिड विच कंटेन EPA एंड DHA विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ। जब भी हम ओमेगा 3 की बात करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग की बात करते हैं। एंड इट हैज़ अ हाई HDL cholesterol which is high density percent cholesterol which is very very good for your heart, which is very very good for your brain too, because we all day हम पूरे दिन क्या खाते हैं, oil, you know, oil से बनी हुई सब्जियाँ, पूरी, ये वो सब, that has LDL, उसमें जो है वो LDL cholesterol है which is bad cholesterol, so उसको हम remove कैसे करेंगे, HDL से, high जो HDL कोलेस्ट्रॉल है उससे करेंगे। वो कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ से मिलेगा, ओमेगा 3 से मिलेगा। ओमेगा 3 अब हमें कितना लेना चाहिए डेली, डेली रिकमेंडेशन है 1000 मिलीग्राम, मीन्स 1 ग्राम पर डे। एक नॉर्मल एथलीट, नॉर्मल इंसान जिसका ज़्यादा दिन में काम नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, उसको 1 ग्राम डेली चाहिए। ये RDA जो डेली रिकमेंडेशन अलाउंस है उसके मुताबिक। तो अगर आप सुपर एथलीट हैं, पूरा दिन काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आपका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो यू शुड टेक 3000 mg पर डे, थ्री पिल्स, एक पिल में 1 mg, 1000 mg ये ओमेगा 3 होता है, मतलब 1 ग्राम। सो यू कैन टेक, अगर आप अच्छे एथलीट्स हैं, पूरा दिन भाग दौड़ वाला रूटीन है, तो यू कैन टेक 3 ग्राम्स ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 वेजिटेरियन कहाँ कहाँ से मिलेगा, मैं आपको ओमेगा 3 ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फूड से कंज्यूम करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं, फूड नहीं मिल रहे तो सप्लीमेंट्स ऐड करें। तो ओमेगा 3 आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा मैं आपको अभी ये दिखाने जा रहा हूँ। तो ओमेगा 3 इन रिच फूड आपको होल एग से मिलेगा। होल एग में जो येलो पोर्शन होता है उसमें ओमेगा 3 होता है, बट आप होल एग अगर उसको खाएंगे, उसमें सैचुरेटेड फैट भी है विच इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, सैचुरेटेड फैट है, तो एक एग से ज़्यादा ना खाएँ। और आपको कहाँ से मिलेगा, फ्लैक्स सीड, अलसी के सीड से मिलेगा, चिया सीड से मिलेगा, सेसमी सीड, तिल के तिल हैं जो, उसको खाने से मिलेगा, वॉलनट खाने से मिलेगा, उसमें सब में ओमेगा 3 है, बहुत ओमेगा 3 है। तो आप ये वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खा सकते हैं, फिश आप देख सकते हैं, हेरिंग, सार्डाइन, स्पेनिश, मैक्रेल, सैलमन, हेलीबर्ट, टूना, टूना केन, ये सब आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, तो आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। अगर आपको ओमेगा 3 नहीं मिल रहा है, आप फिश ऑयल नहीं लेना चाहते और आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते, आप डेली फूड कॉन्शियस, इतना मतलब कॉन्शियस से फूड नहीं खा सकते, तो आजकल हर जगह ओमेगा 3 के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई गॉट दिस, सी गाइस, इट इज़ यू नो अलास्का सनलाइन डीप सी फिश ऑयल ओमेगा 3। तो इसमें ओमेगा 3 जो है वो देखिए, यहाँ पे आपको दिख नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट 300 mg है इसमें। तो इसकी जो एक जेल है उसमें 1000 mg, मतलब 1 ग्राम ओमेगा 3 है, जो कि डेली रिकमेंडेशन डोज है। अगर आप सुपर एथलीट हैं, जैसे कि उन्होंने इसमें लिखा है 3 टैबलेट 3 सॉफ्ट जेल, तो आप 3 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं, नहीं तो 1 टैबलेट आपको 1 दिन का लेना है। और आप देख लेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो GMP फ्री हो और FDA अप्रूव्ड हो, क्योंकि आजकल फिश ऑयल बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे फिश ऑयल हैं। फिश ऑयल में होता क्या है कि ये बहुत इजीली कंटेमिनेट हो सकता है, मरकरी एंड PCBs एंड अदर हैवी मेटल्स, जो कि अगर मछलियाँ अच्छे सी से नहीं पकड़ी गई हैं, डीप सी से नहीं पकड़ी गई हैं, तो हमारा जो फिश ऑयल है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, विच इज़ बैड फॉर हेल्थ। हम अच्छा करने के बजाय बुरा अपने आप को कर बैठेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, और कोई भी चीज़ है उसको पहले पढ़ें तभी लें। तो यू सी
you can add this. This I got on Amazon. There are lots of other brands on Amazon. You can see their quality. और मैं डिस्क्रिप्शन में विकीपीडिया का एक लिंक डालूंगा, आप वहाँ पे ओमेगा 3 और फिश ऑयल्स के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा जान लीजिए। और याद रखिए कि ये फिश ऑयल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एक यंग बंदे से, मतलब एक 18 से 19 साल के लड़के से एक 60 एज के बूढ़े जो हैं उनको भी लेना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। इसको डेली अपनी लाइफ में ऐड करें, विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स और फिश ऑयल। ओमेगा 3 का कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है बुरा। आप बस अच्छा ऑयल लें, देखें कि कंटामिनेशन फ्री हो। जो ओमेगा 3 है वो डीप सी फिश से लिया जाए या ऐसे एरिया से फिश पकड़ी गई हो जो कि फ्रेश हो, जहाँ पे कंटामिनेशन कम हो। तो नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। दोस्तों मैं फिश ऑयल के बारे में बात कर रहा था तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक दूसरे ब्रांड का फिश ऑयल है, इट इज नेचर बाउंटीज फिश ऑयल। सो आई कैन शो यू, ओके, वेयर इट इज, इट इज हियर, यू कैन सी गाइस, यू ऑलवेज सी दिस, दिस इज प्योरीफाइड टू एलिमिनेट मर्करी, पीसीबीज एंड डायोक्सिन्स। That's why I'm talking about the contamination. बहुत contamination हो सकता है, तो you look for the product which is give you mercury, PCB and dioxin free. और इसके बारे में मेरे description link में, Wikipedia के अपने description box में Wikipedia का link डाल रहा हूँ, आप उसके ऊपर पढ़ सकते हैं कि what are PCBs, dioxin and mercury और ये कैसे contaminate कर सकते हैं हमारे fish oil को। So you can even take this kind of product which clearly shows you it has purified to eliminate mercury, PCBs and dioxin. So you can take this kind of source of fish oil. You can just look for a good brand which give you a good brand. You can see behind the daily recommendation value, it's showing you, okay, so you can see here it is 360 mg of total omega 3, okay, compromising of EPA and DHA. So I hope this video will give you some light, shed some light on the fish oil or on the omega 3. So check out these things and buy your fish oil. See you next time. Bye bye.